विलियम काउपर की हम बात कर रहे थे। तो ये मिडल ऑफ सेंचुरी जो है यानी कि 18th सेंचुरी और वहाँ से लेके 19th सेंचुरी तक इसका टाइम पीरियड है। और ये एक इंटरेस्टिंग पोएट है इन द सेंस के जिस तरह थॉमसन जिस तरह हमने जिक्र कर लिया जिसका जिस तरह उसके सीजन्स हैं इसी तरह पोएम का नाम था उसकी द सीजन्स, इसी तरह ग्रे की एलर्जी है और गॉल्ड स्मिथ की द डिजर्टेड विलेज है। इन सब की तरह इसने भी लिखा ब्लैंक वर्स में है और 6 बुक्स के अंदर इसकी ये पोएम है द टास्क जो बड़ी इसका मेजर वर्क है इसका द टास्क। ये 6 बुक्स के अंदर है और ब्लैंक वर्स में है ठीक है। और इसके अंदर भी हमें वही नजर आता है कि सिंपल लाइफ कॉमन पीपल की लाइफ उसका जिक्र हो रहा है, नेचर से रिलेटेड थीम्स आ रहे हैं ठीक है। और ऐसे लगता है जैसे कि इसकी एक लाइन है वो अगर आप देखें तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। और उसने कहा था गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन ठीक है। ये इसकी पोएम की एक लाइन है जो इसने पोएम लिखी थी उसकी एक लाइन है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे आपको वो बात नजर आएगी जो विलियम ब्लेक कहता था कि अगर आपने मैन ने अपने आप को इफ ही वॉन्ट्स टू रिकोनेक्ट विद नेचर और इफ ही वॉन्ट्स टू रिकोनेक्ट विद रिलीजन ही मस्ट रिकोनेक्ट टू द नेचर। ये वाली बात वो कर रहा है कि नेचर से दूर होकर इंसान जैसे अपने रिलीजन से दूर हो गया ठीक है, क्योंकि गॉड मेड द कंट्री और इंसान ने जो क्या चीज बनाई है वो जो बुलंदो बाला मारते हैं और ये सारी इंडस्ट्री है ये इंसान ने डेवलप की है। इसके अंदर फिर एक और बात नजर आ गई वो क्या कि देयर इज नो ट्रैंक्विलिटी इन द टाउन और फॉर द मैन मस्ट गो बैक टू रूरल लाइफ इन सर्च ऑफ ट्रैंक्विलिटी ठीक है। अब जाहरी बात है कि एक इंडस्ट्रियल लाइफ जो है उसके अंदर एक हैक्टिक रूटीन होगी ऑब्वियस है बड़ी और उसके अंदर ये जो इंडोलेंस है जिस तरह आप कह लें कि आप सिर्फ एक मंजर देख रहे हो बैठे दरख्त के नीचे इस तरह की जो सारी सिचुएशन है वो नजर आना एक इम्पॉसिबिलिटी है ठीक है। तो ये इसकी पोएट्री के अंदर आपको नजर आता है ठीक है विलियम कॉपर में। और इसने एक और काम इसका जो बड़ा इम्पोर्टेंट था वो था ट्रांसलेशन ऑफ होमर, ये भी इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है ट्रांसलेशन ऑफ होमर। और इसकी जो ट्रांसलेशन है ब्लैंक वर्ड्स में है ये भी और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो पोप ने ट्रांसलेशन की थी उससे भी बेहतर लगती है ठीक है, कई सिचुएशंस में ये उससे भी बेहतर लगती है। अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं रॉबर्ट बर्न्स की तरफ। अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तरह से एग्रीकल्चरल जो सारा इनका ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया था और अब ये लोग किधर इंडस्ट्री की तरफ आ चुके हैं ठीक है। तो रॉबर्ट बर्न्स आ जाता है, रॉबर्ट बर्न्स जो है ये भी एक स्कॉटलैंड का ही बंदा है और इसकी ये बड़ा अननोन रहा क्योंकि लंदन के अंदर नहीं था। हाँ जी इसी की ट्रांसलेशन की है। अच्छा तो रॉबर्ट बर्न्स की मैं बात कर रहा था कि ये लंदन में नहीं आया शुरू में, यानी कि लंदन में नहीं आया, थोड़ा सा लेट आया और जब ये आया और बल्कि इवन एडिनबरा के अंदर भी नहीं आया था, ये जो स्कॉटलैंड के जो हाईलैंड्स थे वहाँ पे रहा जो एडिनबरा का कैपिटल है वहाँ भी नहीं था और फिर उसके बाद लंदन आना और ये सारा। तो लेकिन जब ये आया तो इसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लोगों ने इसको बड़ा जो ना वो कबूल किया और लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि ही फेल टू ड्रिंकिंग ठीक है और ड्रिंकिंग की वजह से ये जो इसकी वाइन ड्रंक आर्ट बन गया और इस वजह से इसकी पोएट्री वो फ्लरिश नहीं कर सकी जितनी फ्लरिश कर सकती थी। और एक और भी बात हुई कि लोगों ने इसको जो है ना वो साथ छोड़ दिया ठीक है, जाहरी बात है जब लोग इसको समझे कि बड़ा ये अच्छा पोएट है तो इसकी बड़ी आवभगत भी हुई, इसको लिटरेरी सर्कल्स के अंदर भी बिठाने लग पड़े। लेकिन जब ये दोबारा अपनी वो पास की तरफ किया तो फिर यानी कि जिधर से आया था तो फिर जाके ये टैब इन्हीं के अंदर पब्स और कैफेज इनके अंदर और इवन एडिनबरा के अंदर एक जो है ना वो पब है जहाँ पे ये बैठ के पीता रहा और जहाँ पे ये बैठ के मरा वहीं पे यानी कि मरा था उसी डिजीज के अंदर। तो उन्होंने इसका जो है ना वो पूरा एक मुजस्मा लगाया हुआ है, मैं आपको उसकी तस्वीर जो है ना वो शेयर करता हूँ।
एक मिनट इफ आई कैन फाइंड इट, यहाँ पिक्चर शेयर हो जाती है मेरा ख्याल है। मैं एक मिनट सर यहाँ पर देखता हूँ। ये देखें रॉबर्ट बर्न्स की इसमें ना यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, और एक और भी है मैं वो भी। एक मैंने अंदर से ली थी पिक्चर इसकी, और एक ये बाहर से। अच्छा आ गई है ये, आप लोग वैसे ही मैंने आपको कहा चलें आप भी देखने के क्या इसकी वो है। और इसी के बिल्कुल साथ ही जो ये पब है इसके, ये बड़े हिस्टोरिकल लेन है जहाँ पे ये सारा पोएट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे रहे हैं। और ये जो हैरी पॉटर की राइटर है ना, क्या नाम है उसका, जेके रॉलिंग, उसने जिस घर में बैठ के ये लिखा था हैरी पॉटर, वो बिल्कुल इसके साथ है। ठीक है, और एडिनबरा के अंदर बड़े बड़े राइटर्स आए हैं, बड़े फेमस राइटर्स हैं स्कॉटलैंड के, जो एडिनबरा के अंदर बड़े अरसा रहे और मशहूर भी हुए। तो ये जो बंदा है ये मैंने इसके अंदर भेजा है जो आपकी चैट बॉक्स, और मेरा ख्याल है यहाँ पे आ जानी चाहिए। नहीं आ रही तो मैं अब किस तरह शेयर कर सकता हूँ मुझे नहीं पता। तो ये खैर इतनी वो नहीं है, मैं ग्रुप के अंदर भी बाद भेज दूँगा। रॉबर्ट बर्न्स की मैं बात कर रहा था कि नो आई डिडंट सेंड इट इन द ग्रुप, आई सेंड इट राइट हियर इन द मीटिंग, चैट के अंदर अगर आप देखें। अच्छा तो ये जो रॉबर्ट बर्न्स है, ये उन तीन लोगों से जो पीछे हमने जिक्र किया है, यानी कि कॉपर, गोल्डस्मिथ और थॉमस ग्रे, ये तीन जो लोग हैं, इन तीन को आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल डॉन ऑफ रोमांटिसिज्म है। ठीक है, और अगर हम इनको डॉन ऑफ रोमांटिसिज्म कहते हैं तो ये ज़रा थोड़ा सा उसके बाद, क्योंकि इसका टाइम पीरियड उनके बाद है। ठीक है, ये 1759 में तो ये पैदा हुआ है, और उसके बाद इसका फिर 1800 तक वो चलता रहा। तो और इसकी पोएट्री के अंदर मेच्योरिटी इनसे ज़्यादा है, यानी कि ये ग्रे, गोल्ड स्मिथ और ये कॉपर जो है, इनसे ज़्यादा इसकी पोएट्री में मेच्योरिटी है, और इसी वजह से ये जो है ना मशहूर हुआ। और इसकी फिलॉसफी है अपनी एक इस बंदे की, और वो फिलॉसफी क्या है कि कॉमन पीपल आर एट हार्ट रोमांटिक एंड दे लव आइडियल्स। ठीक है, यानी कि जो आम बंदा होता है वो रोमांटिक भी होता है और ही लव्स आइडियल्स, ये दो बातें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, अब अगर ये बातें इस बंदे ने समझ ली हैं तो फिर ऑब्वियस है कि वो क्लासिसिज्म से रिएक्ट करेगा, वो उसकी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, उस क्लासिसिज्म की तरफ नहीं जाएगा। और इसने भी यही काम किया कि ये दोबारा कॉमन पीपल की इसने पोएट्री की और उन्हीं के बारे में लिखता रहा, और इसीलिए कि दे आर आइडियलिस्ट एंड दे आर रोमांटिक, और रोमांटिसिज्म से एक चीज़ बड़ी एसोसिएटेड है, और वो क्या है, इमेजिनेशन। और ये सब लोग इमेजिन क्या कर रहे हैं, ये सब लोग दोबारा वो पुराना जो दौर है उसको इमेजिन कर रहे हैं, वो जो सुब्लिमिटी वाला और वो जो गॉथिक स्टाइल वाला वो सारा दौर था उसको जो है ना वो याद कर रहे हैं। ठीक है जी, और अब हम थोड़ा चलते हैं कि रोमांटिक रिवाइवल की जो पोइट्री है उसको ज़रा थोड़ा सा अगर आप देखें कि इसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये मैं आज वैसे बिल्कुल ज़रा सा बताऊंगा, कल हमने क्योंकि रोमांटिक एज करनी है और कल हम इसको ज़रा एक्सपाउंड करेंगे। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं इस एज के, वो क्या है, नंबर वन इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द बॉन्डेज ऑफ रूल्स एंड कस्टम्स, यानी कि जो क्लासिसिज्म थी। कैन यू रिपीट द स्टेटमेंट, कैन यू रिपीट हिज स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट, आई डोंट नो एनी स्टेटमेंट ऑफ हिज। रिकॉर्डिंग जो है ना वो आप देख लीजिएगा जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता। मैंने इसकी इसकी स्टेटमेंट, इसकी फिलॉसफी मैंने बताई है कि कॉमन पीपल आर रोमांटिक एट हार्ट एंड दे आर आइडियलिस्ट। यस, कॉमन पीपल इज नहीं, कॉमन पीपल आर रोमांटिक एट हार्ट एंड दे आर आइडियलिस्ट। अच्छा, तो अब रोमांटिक रिवाइवल की मैं बात कर रहा था, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको नजर आती है वो क्या है, रिएक्शन अगेंस्ट नियो क्लासिकल ट्रेंड्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी। नंबर टू, रोमांटिसिज्म रिटर्न टू नेचर,
ऑब्वियस बात है कि अगर वो शहरी स्टाइल से क्लैश कर रही है, उसके रिएक्शन में है, तो वो नेचर की तरफ वापस जाएगी, रूरल जो कल्चर है उस तरफ जाएगी, ठीक है जी। अब वो लंडनर पोइट्री नहीं रही, अब वो दोबारा पीछे जा रही है। उसके बाद इसके अंदर आपको वही स्पिरिट नजर आती है, द सेम स्पिरिट विच वी सॉ इन द एलिजाबेथन एज, ठीक है। वो जो पुराने जमाने की सारी जो बात थी वो दोबारा वापस नजर आ रही है, ठीक है। और बेशक इसके अंदर रियलिटीज भी डिस्कस हो रही हैं, लेकिन साथ साथ नेचर भी डिस्कस हो रही है। और एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो है ह्यूमन सिंपथी या पोएट्री ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है। आम जो बंदे हैं उनकी तरफ इसका जो है ना वो ट्रेंड चल रहा है, और इसका जो ट्रेंड है वो ह्यूमन सिंपथी के साथ एसोसिएट हो गया है, ठीक है। कॉमन कॉमन मैन जो है, तो कॉमन मैन से ह्यूमन सिंपथी आप इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इसके अंदर इस्टेब्लिश रूल्स कोई नहीं थे। रोमांटिक जो मूवमेंट है ना, इसके अंदर हर जो बंदा है वो एक इंडिविजुअल जीनियस है। ये एक बड़ी मज़ेदार बात है जो अभी आगे हम देखेंगे। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स अलग अलग बंदे हैं सारे, मतलब लिख ही अलग अलग रहे हैं। शैले वो किसी और प्लेन पे है, मैरी शैले वो किसी और तरह लिख रही है, ठीक है। तो ये सब लोग बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल्स में लिख रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड बायरन को देखेंगे तो वो सबसे ही अजीब नजर आएगा। तो बहरहाल एक एक तो ये बात है जो कि पिछले ट्रेंड्स में ऐसा नहीं था। पीछे क्या हो रहा था, मार्लो ने किसको फॉलो किया, क्लासिकल ट्रेंड्स को। क्लासिकल ट्रेंड्स के अंदर फिर और भी लोग आ गए, वो जो सैकविल था, नॉर्टन था, ठीक है ना, ये सब लोग भी क्लासिकल ट्रेंड्स को, चौसर भी क्लासिकल ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, और ये सब एक ही उस स्पिरिट के अंदर नजर आ रहे हैं। विलियम शेक्सपियर ने मार्लो को देखा, मार्लो के और इनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो सब इनको देख के चल रहे हैं पॉपुलैरिटी की वजह से, ठीक है। फिर आप आगे आते हैं तो एसेइस्ट किस तरह के हैं, स्टील और रिचर्ड, और ये सारे एक ही तरह के लिख रहे हैं, मॉरलाइज कर रहे हैं पीपल को और सटायर कर रहे हैं, ठीक है, सारे एक ट्रेंड चीज़ है। लेकिन जो रोमांटिक मूवमेंट के लोग हैं, ये सब लोग अपनी अपनी जीनियस के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात यह है कि इसके बावजूद ये अनगाइडेड नहीं है, मतलब ये नहीं है कि सारे डिफरेंट प्लेन्स पे खड़े हों, ऐसा नहीं है, सारे एक ही प्लेन पे खड़े हैं, मतलब प्लेन PLAIN प्लेन मतलब एक स्टेट पे खड़े हैं, ठीक है। सब लोग नेचर को देख रहे हैं, लेकिन नेचर से कनेक्ट होने का सबका अपना अपना अलग तरीका है, ठीक है। विलियम ब्लेक किसी और तरह नेचर से कनेक्ट हो रहा है, वर्ड्सवर्थ किसी और तरह हो रहा है, कॉलरिज किसी और तरह हो रहा है, कीट्स और शैले बिल्कुल डिफरेंट हैं इन दोनों से, और इन दोनों तीनों से, और उसके बाद जो लॉर्ड बायरन है वो फिर किसी और ही तरह देख रहा है, ठीक है। तो ये थे जनाब हमारी रोमांटिक एज, इसके बाद हम रोमांटिक एज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अब जो है ना हमारा ये हिस्ट्री वाला काम जो बहुत ही आसान है वैसे तो, अब पता नहीं आप लोग तो कितना पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब हम चलते हैं जो हमने कहा था कि चौसर को हम डिस्कस करेंगे, और चौसर को डिस्कस करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं इसका वो बताऊंगा कि जी वाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और ये सारा कुछ हम बात कर चुके हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री था तो क्यों था और क्या उसके अंदर बात थी, ठीक है ना, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये देखना कि इसको डिटेल में कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और किस टाइम पीरियड पे। प्रोलॉग हमारे कोर्स में था, एमए के कोर्स में है ये, सरगोधा के भी और दूसरे पंजाब यूनिवर्सिटी के भी, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन सा जो नवल जिक्र हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले जर्नी टेक्स प्लेस इन मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, यानी कि इन द स्प्रिंग, नंबर वन। एक तो ये इसके अंदर बात देखना, और उसके बाद वो बताता है कि किस तरह, वेयर आर दे गोइंग, दे आर गोइंग टू कैंटरबरी, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये बताता है, ये भी बताता है कि सब लोग कितने लोग थे ये, हाँ जी, कौन बंदा है जो बड़ा पढ़ने वाला है, 29 एंड 30 इंक्लूडेड, 28 24 नहीं है, 29 29 इसने बताया है और इंक्लूडिंग चौसर, ठीक है, और जो होस्ट है वो 30 है, ठीक है। तो ये 30 असल में बनते हैं बंदे, ठीक है, यानी कि जो पिलग्रिमेज पे गए हैं। और अगर आपसे ये सवाल है, ये स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है, अगर ये स्टेटमेंट हो कि होस्ट के बगैर कितने पिलग्रिम्स हैं तो फिर आपने 29 करना है, और अगर होस्ट के समेत हो तो फिर आपने 30, ठीक है जी। और इसकी एक लाइन है
जो वहां पे उसने जो ना वो बताई बताई हुई लाइन नंबर 24 है ये, जिसको आप जो ना वो देख सकते हैं. और इसके अंदर उसने लिखा हुआ है वेल 9 and 20 इन अ कैंपेइंग. ठीक है, कैंपेइंग से मुराद उस जमाने में कंपनी लिया जाता था. ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको क्रॉसर को और उसको अलग अलग रखते हैं, वो ऐसा नहीं आपने करना. ठीक है, 30 है टोटल, 32 तक नहीं पहुंचना. कुछ लोग 32 तक भी चले जाते हैं. ठीक है, तो 32 या इससे आगे हमें जाने की कुछ जरूरत नहीं. अच्छा, और जा किधर रहे हैं? टू कैंटरबरी. कैंटरबरी किसकी श्राइन पे जा रहे हैं, ये सवाल है. जल्दी जल्दी, इतनी देर में तो दो दफा बंदा लिख लेता है. सैमुअल बेकेट. हाँ जी, तो सैमुअल बेकेट जो है, बेकेट के बी ए नहीं है, बी ई. सैमुअल बेकेट जो है ये असल में कौन बंदा था, ये एक मार्टर था. और ये किस जमाने का मार्टर है, वो पुराने जमाने में जब ये कैडमन वगैरह होते थे ना, ये उस जमाने का. ठीक है, और उस जमाने में कैंटरबरी में इसकी जो है ना वो मार्टर हुआ ये, इसे यानी कि उनके हिसाब से शहीद किया. और फिर इसकी जो है ना लोग वहाँ पे पिलग्रिमेज पे जाते हैं. ठीक है, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एन साउथ वॉक में, ये कौन सी है, टबार्ड एन. ठीक है, टबार्ड एन. और ये किस साइड पे है, ये साउथ ऑफ लंदन में है. ठीक है, इन नहीं एन, आई डबल एन. जब एन कहेंगे तो वो जरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा. मैंने वैसे जानबूझ के जरा इसे सॉफ्ट करने के लिए आपको बताया कि डबल एन जब आता है तो फिर हम उसको सॉफ्ट कर देते हैं जरा सा. अच्छा जी, ये भी हो गया कि ये 29 पीपल थे, एक उसको मिला लें तो ये 30 हो गए. और इसके बाद अब जरा हम इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी तरफ अब देखते हैं. ठीक है, चौसर क्या कहता है कि मैं इनको आपको सबके कैरेक्टर्स जो है ना वो बताता जाऊंगा कि ये किस तरह के लोग हैं. ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर जो है इसका नाइट है. और नाइट के बारे में आप कह सकते हैं कि ही हैज़ फॉट इन क्रिश्चियनम एंड इन हीदन लैंड्स, यानी कि वो क्रिश्चियन लैंड्स के अंदर भी उसने लड़ाई की हुई है, और मुस्लिम लैंड्स या आप कह दें उस वक्त के जो मुस्लिम लैंड्स थे उनके अंदर भी उसने लड़ाई की हुई है. ठीक है जी, और ही इज़ एट द हाइस्ट स्पॉट इन नाइटहुड. उस जमाने के अंदर ये यानी कि बड़ा नोबल है और इसके बड़ा हाई लेवल का है. ठीक है, और इसने कितनी बैटल्स में हिस्सा लिया है, जो बड़े ब्लडी बैटल्स हैं वो 15 है. ठीक है, फुल यानी कि जो बैटल्स थी, जो जिन बैटल्स से मुराद एक वॉर होती है और एक बैटल होती है. वॉर के अंदर कई बैटल्स हो रही होती हैं. ठीक है, बैटल फील्ड कुछ और, बैटल फील्ड का अंदर वन टू यानी कि सामने आमने सामने आर्मीज हो जाती हैं. ठीक है, और वॉर होती है जो चल रही होती है एक, और उसके अंदर कहीं पर भी अटैक हो सकता है. और इसके बाद ये मेरा ख्याल सवाल नहीं वो कर सकता कि ये किन किन इलाकों में जंग कर चुका है. ठीक है, मेरा नहीं ख्याल ये सवाल करेगा, लेकिन बहरहाल आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसने किधर जो है ना वो किया. और ये बंदा कैसा है, ये एक हम्बल मैन है. ठीक है, और कोई इसके अंदर आपको वो नज़र नहीं आता, प्राइड नज़र नहीं आता और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है. ठीक है, और ही इज़ गोइंग टू पिलग्रमेज स्ट्रेट आफ्टर कमिंग फ्रॉम हिज एक्सपीडिशन, वन ऑफ हिज एक्सपीडिशन. ठीक है जी, और नाइट्स कौन होते थे, मैंने आपको बताया हुआ है कि नाइट्स जो थे वो होली ग्रेल की तलाश में थे, और यानी कि किंग की स्पेशल आर्मी है नाइट्स. उसके बाद स्क्वायर पे आ रहे हैं, और स्क्वायर जो है ही इज़ अ लस्टी बैचलर और 20 इयर्स ऑफ एज है. ठीक है, इसके ये भी लिख लें आप स्क्वायर. आपने साल के नोट्स वगैरह कोई खोले में हैं या आप बस ऐसे ही नोट कर रहे हैं? मेरा ख्याल आप नोट्स वगैरह अगर कोई हैं तो आपसे खोल लें. स्क्वायर जो है और ये 20 इयर्स इसकी एज है. ठीक है, और लस्टी बैचलर है, अ पोएट एंड ऑल्सो indulgent, he is a lover and a good singer. ठीक है, यही बातें इसके लिए मेरा ख्याल बड़ी है. हाँ जी, बस ये और इसके he has long hair and he believes in enjoying. और इसके बारे में उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, एक लाइन इस्तेमाल की थी, वो क्या थी, he was as fresh as the month of May. As fresh as the month of May, ये वो पूछ सकता है, ये किसके बारे में लाइन. I had notes 1 month ago. अच्छा, but this is not relevant. अच्छा जी, and he can sing and he can write songs, he can write poetry. और उसके बाद he loves as a nightingale. ये भी एक जो है ना वो लिखें, loves as a
नाइटिंगेल, और इसको वो नाइटिंगेल, ठीक है जी। इसको आपने उससे मैच नहीं करना, वो जो इसके बाद एक आएगा वो समनर है मेरा ख्याल है, हाँ जी समनर है, जो बड़ा लस्टी है, और उसके साथ आपने इसे मैच नहीं करना, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसकी एक नाइटिंगेल है और दूसरा मंथ ऑफ मई है, ठीक है, इसके बाद और इसके अलावा कुछ नहीं है। और यो मैन है एक थर्ड वन। अच्छा, ये यो मैन जो है ना, यही है वो जिन्होंने प्रेजेंट रेवोल्यूशन जो है ना वो की थी, ठीक है। यो मैन जो थे ये गाँव के लोग होते थे, लेकिन ये एक तरह से जो अटैच नहीं हो जाते उनके साथ अटैचमेंट के तौर पे, यहाँ ऑर्डरली आप समझ लें, अर्दली जिसे उर्दू में कहा जाता है, तो ये नाइट्स के साथ होते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से उनका ये ख्याल था कि जो हमने 100 ईयर्स ऑफ वॉर जो है वो जीती इन्हीं की वजह से जीती है, ठीक है, और फिर इसीलिए पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके पास ये बड़ा अच्छा जो है ना, वो इसने तीर कमान इसके पास है, और ये वुड क्राफ्ट जानता है, ठीक है, ये भी एक चीज़ के बारे में लिख लें कि वुड क्राफ्ट का माहिर है, वुड क्राफ्ट जानता है, और इसने क्रिस्टोफर मेडल इसके पास एक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिस्टोफर मेडल, और सिल्वर सिल्वर कलर का मेडल है जो इसने अपने जो है ना चेस्ट पे पहना हुआ, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं प्राइवरस की तरफ। प्राइवरस जो है, इसका नाम क्या है सबसे पहले तो, प्राइवरस, और इसका नाम है मैडम एग्लेंटाइन, ठीक है। मैं मॉडर्न स्पेलिंग लिख रहा हूँ क्योंकि वो उसे अपने मॉडर्न स्पेलिंग में ही करेगा, वो पुराने स्पेलिंग की तरफ नहीं जाएगा। और व्हाट वाज द ओथ शी, उसका तकिया का नाम है वो क्या है, बाय सेंट लुए, लॉय नहीं लॉय, इज ओथ, ठीक है जी, ये इसका एक ओथ है कि बार बार यही बात करती है। एंड शी स्पीक्स फ्रेंच, और फ्रेंच किस तरह की बोलती है ये, आफ्टर द मैनर ऑफ स्टैफर्ड, स्टैफर्ड फ्रेंच जो है ना ये बोलती है, ठीक है, ये आपने दिल में रखना है, स्टैफर्ड एट बो। अच्छा, अब आपको स्पेलिंग अगर फर्ज करें नहीं भी याद होते तो उन्हें परेशान नहीं होना, वो इसलिए कि आपसे जो दूसरी फ्रेंच वो पूछेगा आपके लिए वो सारी नहीं होंगी, यहाँ तो वो पेरिस कहेगा और पेरिस जरूर लिखेगा, क्योंकि लोग ट्रिक हो जाएंगे ना कि पेरिस के अंदर जारी बात है फ्रेंच पेरिस की होगी, तो तब आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी सारे आपके लिए अनफेमिलियर होंगे, सिर्फ यही आपको नजर आएगा और वो आप लिख देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद शी फॉलोज द कोर्टली मैनर्स, एरिस्टोक्रेटिक क्लास के मैनर्स जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या था, स्ट्रेटली मैनर्स के अंदर ये सारा कुछ आया था, वो खाना किस तरह खाती है, कोई मॉर्सल गिरने नहीं देती, और ये सारा कुछ, ठीक है, ये सब इसके अंदर शामिल होगा। और एक और जो बात इसके अंदर बड़ी थी कि शी इज वेरी चैरिटेबल एंड शी वीप्स एट द साइट ऑफ अ माउस, सॉरी एट साइट ऑफ अ कॉट माउस या ट्रैप माउस, ठीक है, यानी कि वो माउस अगर फंसा हुआ नजर आता है तो बेचारी रोना शुरू कर देती है, ठीक है, इतनी वो बहुत ज्यादा। और उसने एक और चीज रखी हुई है, शी है स्मॉल हाउंड्स, ठीक है, ये उसने अपने पास रखे हुए हैं, और अगर कोई बंदा उनको मारता है तो ये बड़े गुस्से में आ जाती है और बड़ी परेशान होती है और रोती भी है, ठीक है जी। और बाकी इसका वो आपको पता है कि शी हैज लार्ज फोरहेड, और उसके अलावा शी हैज लार्ज विम्पल, यानी कि उसने सर पे एक हेड गियर होता है वो बहुत बड़ा उसने जना लिया हुआ है, और उसके पास जो बीड्स हैं जिसको तस्बीह कहते हैं, वो तस्बीह भी इसके पास बड़ी बड़ी उसने ग्रीन कलर की जो है वो तस्बीह रखी हुई है, और शी हैज अ लॉकेट, और उसके ऊपर लिखा हुआ है ए, ठीक है, ए कैपिटल ए है, और उसका नाम है एमोर विंसेंट ओमनिया, यानी कि लव कॉन्करस ऑल, ठीक है, ये उसके ऊपर कैपिटल ए के साथ एक लिखा हुआ है, और इसका नाम है
लव कॉन्करस ऑल, ठीक है जी, ये इसका मतलब है। अच्छा जी, और इसके साथ एक नान है, ठीक है जी, एक नान इसके साथ है, और तीन प्रीस्ट भी हैं, ठीक है, एक नान है और थ्री प्रीस्ट है। अच्छा, अगर अब आप इसको भी काउंट करना शुरू कर दें, ये थ्री प्रीस्ट और ये नान को काउंट करेंगे, तो आपका काउंट जो है वो शायद आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इस तरह ही देखना है जिन कैरेक्टर्स को ये हमें इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, जो उसने खुद ही काउंट दे दिया 29, तो बस हम उसी को लेंगे, ठीक है, और एक होस्ट हो गया 30। उसके बाद आ रहे हैं जी मंक पे, और मंक जो है ये कैसा बंदा है, ही लव्स हॉर्सेस एंड ही इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ चर्च, मंक, और ये किसके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ चर्च के खिलाफ है, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जी ही बिलीव्स इन ईटिंग ड्रिंकिंग एंड ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, मतलब ये एंजॉय करने वाला बंदा है, ठीक है। और ये किसका डायलॉग था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, किसका ये डायलॉग है, ये एक का एपिक्यूरियस, यस एपिक्यूर नहीं एपिक्यूरियस, सॉरी एपिक्यूरियन या एपिक्यूरियस, ठीक है, एपिक्यूरियस उस बंदे का नाम है जिसका ये इसने जो नाम फार्मूला लिया हुआ, ठीक है। और इसका क्या एक और बड़ी खास बात है कि ही इज़ वेरी लस्टी एंड ही हैज़ रेड आइज विच आर रोलिंग इन हिज हेड, ठीक है, वो लगता है ऐसे कि रोल कर रही हो, और बाकी जो प्लेयर्स के अंदर गुम, ठीक है, इसका वो नहीं है, ही इज इंडल्ज इन प्लेयर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं फ्रायर की तरफ, फ्रायर, और फ्रायर जो है ये कौन सा फ्रायर है, ये लिमिटर फ्रायर है, ठीक है जी, ये भी आपने, ठीक है, ये लिमिटर फ्रायर्स कौन से होते हैं, इनको एक टेरिटरी दी जाती है, और ताकि ये उसके अंदर मांगे, ये मांगते हैं, और मांगते किस लिए हैं, ये लोगों से मांगने के बाद लोगों पे खर्च करते हैं, गरीब अमीरों से मांगते हैं, गरीबों पे खर्च करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ये क्या करता है, ये गरीबों से ही मांगता है, ये अमीरों से ही मांगता है, ठीक है, और खर्च किस पे करता है, अपने आप पे खर्च करता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ही हैज़ बिफ्रेंडेड मैनी वुमेन, और बल्कि ऑल द वुमेन, और ये उनकी शादियाँ वगैरह भी करवाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये लस्टी भी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रिलीजियस करेक्टर है, ठीक है, जैसा मंक और प्रायरस रिलीजियस करेक्टर्स गुजर गए हैं, इसी तरह ये भी रिलीजियस करेक्टर है, ठीक है जी। और इसका जो फॉर्मूला क्या था, ये कहता था कि अगर आप कोई बंदा बड़ा अमीर आदमी है और उससे रोया नहीं जा रहा, तो वो क्या करे, वो पैसे ज़्यादा दे दे तो मैं उसकी जो है ना वो कर दूँ, मतलब कि जितने से पैसे दे दे वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं। और इसका नाम हुबर्ड है, ये भी आप ध्यान में रखना है, हुबर्ड इज हिज नेम, हुबर्ड, ये जिन जिनका नाम बताया हम सिर्फ उनका नाम देखेंगे, बाकी उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर एक मर्चेंट है, मर्चेंट विद फोक बियर्ड, ठीक है जी, मर्चेंट जो है ये भी बड़ा न्यूड आदमी है, वैसे इसकी डिटेल वो अगर आप देखें, मर्चेंट विद फोक बियर्ड, ठीक है जी। और ये भी हर वक्त क्या करता है, ये लोग एक एक्सप्लॉयटर है, एक्सप्लॉयट करता है, और हर वक्त प्रॉफिट्स की जो है ना इसे तलाश है, और ये इसके अलावा कुछ नहीं देखता। और इसका जो कारोबार है वो कहाँ पे, हॉलैंड और इंग्लैंड के दरमियान इसका जो है ना वो कारोबार है, और इसको बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि इसने लोगों से कैसे डील करना है, ठीक है, ही नोज हिज स्टफ, मतलब ये है। और फिर ऑक्सफोर्ड क्लैरिक, ऑक्सफोर्ड क्लैरिक का फॉर्मूला जो है ना वो एक फिलोसफी है, वो क्या है याद है किसी को, ऑक्सफोर्ड क्लैरिक, ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच, ग्लैडली लर्न एंड ग्लैडली टीच,
रियल स्कॉलर है, ये रियल मैन है, और रिलीजियस तो है, ये रिलीजियस के साथ इसका उसका ताल्लुक है इसका रिलीजन के साथ, लेकिन ही इज़ ट्रू टू द स्पिरिट, ठीक है, और ही नोज द फिलोसफी ऑफ अरिस्टोटल एंड एवरीथिंग, एंड ही ऑल्सो हैज बुक्स एवरीवेयर वेयर वेयर गो, ही हैज अ बैग फुल ऑफ सॉरी अ बैग ऑफ बुक्स, या आप कह लें 20-30 बुक्स इसके साथ होती हैं, ठीक है, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि बैग ऑफ गोल्ड जो है इसको उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसको किसकी जरूरत है, इसको बुक्स की जरूरत है, ठीक है, बैग ऑफ गोल्ड की बजाय बुक्स के ऊपर इसका ध्यान है, मतलब कि ये रियल बंदा है और यही इसका जो है ना पर्पज़ है, और वो इसकी जो लास्ट लाइन में उसने बताया था कि ये कैसी स्पीच जो है और क्या इसका मोटो क्या है, वो ग्लैडली लर्न एंड ग्लैडली टीच, ठीक है, ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच। फिर आ जाता है सर्जेंट ऑफ लॉ, अच्छा ये इसमें कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिस तरह ये सर्जेंट ऑफ लॉ है, आप इनको अगर देखना चाहें तो मेरा ख्याल है ख़ुद भी आप एक दफ़ा देख सकते हैं, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। फिर जी आ जाता है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन अच्छा जी, और ये क्या है, ये ड्रंक कार्ड है, बहुत बड़ा ड्रंक कार्ड है, क्योंकि ये क्या कहता है, ये सुबह सुबह भी जो है ना वो वाइन पसंद करता है, ठीक है, और उसकी जो बियर्ड है वो कैसी है, वाइट एज अ डेजी, वाइट एज डेजी बियर्ड फ्रैंकलिन, ठीक है जी, ओ सॉरी मैंने जो वो कहा था ना उसके बारे में मंक के बारे में, वो मंक का नहीं था, ई ड्रिंक एंड बी मैरी, वहां से काट दें, ये इसका है फ्रायर का, फ्रैंकलिन का, ए ड्रिंक एंड बी मैरी, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ये कहा गया था ना एपिक्यूरियस सन, ही वाज एपिक्यूरियस सन, बस आउट ऑफ मेमोरी बताने का ये थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है, एपिक्यूरियस सन, वो मैंने पहले बता दिया था आपको, ए ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जो इसका फ्रैंकलिन है ये इसका मोटो है, ठीक है, उसका मोटो ये नहीं था, उसका क्या था, वो शिकार करता था, ही वॉज अ हंटर, जो मंक है ही वॉज अ हंटर, और ये जो फ्रैंकलिन है ये हंटर नहीं है, ये वो है एपिक्यूरियन फिलोसफी को मानता है, यानी कि ई ड्रिंक एंड बी मैरी, ठीक है, और इसका जो है ना एक बड़ा काम इसका कुछ और है, लेकिन इसने क्या रखा हुआ है, इसने अपना जो है ना एक बड़ा वो जो इसका हाउस होल्ड है उसमें हर वक्त खाना पीना मौजूद रहता है, हर वक्त शराब मौजूद रहती है, ठीक है, और ये खुद भी हर वक्त कुछ ना कुछ खाता रहता है, या फिश यानी कि गोश्त वगैरह खाता है, फिश या फ्लैश और जो भी इसे मिल जाए, और उसके बाद लगता है जैसे था कि जैसे इसके घर पे खाने पीने की बारिशें होती हैं, ठीक है, और ये हर तरह से यानी कि सिर्फ खाने पीने के साथ इसका एसोसिएटेड है, ज़िंदगी का कोई सीरियस पर्पज़ इस बंदे का नहीं है, ठीक है जी, और ये बड़ी दफ़ा अपने इलाके का जो शेरिफ आप कह लें या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बड़ी दफ़ा बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो है ना ये लैंड ओनर बड़ा फजूल किस्म का लैंड ओनर है, ठीक है, और टैक्स ओनर टैक्स ऑडिटर भी रह चुका है ये एक दौर में, लेकिन इसके बारे में जॉसफ ने क्या कहा था, वर्दी लैंड ओनर, वर्दी लैंड ओनर जो है ये नेगेटिव सेंस में उसने कहा था, ठीक है, वर्दी लैंड ओनर, अच्छा जी, उसके बाद हैबरडाशर और कारपेंटर हैं, डायर है, और ये इस तरह के यानी के लोग हैं, ये बिल्कुल माइनर से, इसी तरह शिपमैन और कुक है, ये माइनर लोग हैं, इनकी जो है ना मेरा नहीं ख्याल के पेपर के अंदर कोई इनके बारे में कोई ऐसी बात आ सकती है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो है उसके बारे में हो सकती है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजिक जिसको इसने कहा है, ठीक है, तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ऑफ फिजिक या मेडिसिन, ठीक है, ये डॉक्टर ऑफ फिजिक और मेडिसिन ये एक ही बात है, और ये बड़ा एक एस्ट्रोनॉमी को भी जानता है ये, ठीक है, ही नोज एस्ट्रोनॉमी, ये वैसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, और ही नोज एवरी डिजीज, ही नोज द कॉज ऑफ एवरी डिजीज, ठीक है, अब पता नहीं टॉसर जो है वो ये इसके बारे में कुछ कर रहा है, लेकिन टॉसर ने जब ये एक लाइन में ये भी जरूर कहा था कि ही वाज अ ट्रू प्रैक्टिशनर, ठीक है, तो परफेक्ट प्रैक्टिशनर, ट्रू प्रैक्टिशनर है, तो इसका मतलब ये
सही जो है ना वो बंदा होगा, ठीक है। और उसकी जो सारी ड्रग्स वगैरह हैं वो उसने जो ना वो तैयार रखी होती हैं, और पुराने जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स और ये सारे लोग हैं ये उन सबको बड़ी अच्छी तरह जानता है, ठीक है जी। और ये इसलिए भी ठीक है कि ये बड़ा मॉडरेट था, यानी कि अपनी डाइट में भी और सारी चीज़ों में मॉडरेट था, ठीक है ये। अच्छा आगे अब हम चलते हैं वाइफ ऑफ बाथ, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो फीमेल कैरेक्टर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइफ ऑफ बाथ वो क्यों इसे कह रहा है, क्योंकि अच्छा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये शी इज़ टू मच ऑब्सेस्ड विद मैरिज, ठीक है, शादियाँ बड़ी करती है, और फाइव हस्बैंड्स इसके रह चुके हैं, और शी इज़ अ बिट डेफ, डेफ, और बिजनेस करती है, ठीक है, क्लॉथ मेकिंग का इसका बिजनेस है। और एक और बड़ी बात है कि ये जो है ना चैरिटेबल है, चैरिटी बहुत देती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कोई चैरिटी दे दे इसे गुस्सा आ जाता है, मतलब कि ये चैरिटी भी किस लिए देती है, दिखाने के लिए, ठीक है, और इसीलिए कोई इससे ज़्यादा अगर चैरिटी दे दे तो इसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो है ना उसने एक और भी है इसके बारे में कि शी इज़ गैप टोस, मतलब इसके जो दांत है उनमें थोड़ा थोड़ा गैप है, ठीक है। और शी हैज़ बीन टू जेरुसलम थ्राइस, वो बट रिलीजियस बड़ी है, सो कॉल्ड रिलीजियस है, ठीक है, और जेरुसलम ये कितनी दफ़ा जा चुकी है, थ्राइस, वो मतलब ये जाती रहती है, ये सारे जो सेंट्स वगैरह और ये सारे दरबार दरबूर जो है ना उनके, वो उस तरफ जाती रहती है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके जो ये जो मैरिज का मैंने बताया था कि फाइव जो उसके हस्बैंड्स हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और बात भी है कि इसके अंदर उसने वो शामिल नहीं किए जो उसके लव अफेयर्स हैं, ठीक है, वो इसने शामिल नहीं किए, तो इसका मतलब ये कि एक नेगेटिव एक तरह से करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद एक पार्सन ऑफ टाउन है, और वो पार्सन जो है ये जो पार्सन है ये एक गुड करेक्टर है, गुड रिलीजियस करेक्टर, अच्छा। ये मीटिंग ख़त्म करके मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ और अभी मैं आ रहा हूँ।